नमस्कार दोस्तों, रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविल गुरुवार शाम बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान अरुण गोविल ने कहा कि हर काम का एक समय निर्धारित होता है। मुझे आज से पहले राजनीति समझ नहीं आती, पहले इसकी परिभाषा कुछ और होती थी, लेकिन जब से पीएम मोदी का नेतृत्व मिला है तब से परिभाषा बदल गई है। अब मैं देश के लिए योगदान देना चाहता हूँ, इसके लिए हमें एक मंच की ज़रूरत है। बीजेपी आज इसके लिए सबसे बड़ा मंच है। अभिनेता गोविल ने इस दौरान टीएमसी सुप्रीमो पर भी निशाना साधा और कहा, मैंने देखा है कि ममता दीदी को जय श्री राम के नारों से एलर्जी होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि जय श्री राम एक नारा नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन का संस्कार है। राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज़ नहीं मानता था। मैम सॉरी, मैं जो कह रहा हूँ सर, दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने, वो उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है जब से, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी, अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं, जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था, वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर, बीइंग एन एक्टर, मैंने रामायण की, उसमें जो पारिवारिक एक तरह से योगदान होता है उस क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान होता है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, वो मैंने, मेरे से हो गया है। मैंने नहीं किया है, कराया तो उसने था, पर मेरे से हो गया है वो। अब जो राष्ट्र सेवा की बात है या राष्ट्र निर्माण की बात है, उसमें जो मैं ज़रूर अपना जो बिट है मेरा कंट्रीब्यूशन का, वो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। अब भाजपा के राम आ चुके हैं और आते ही आते दीदी पर प्रत्यंचा चढ़ा दी है। लेकिन अब बंगाल में प्रचार प्रसार एक पीक समय पर चल रहा है, सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। इस दौरान भाजपा ने ममता दीदी की नींद हराम कर दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना खबर एक्सपर्ट चैनल सब्सक्राइब करें। ठहरो, अब क्या हुआ? मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? कितने दिनों से कह रही हूँ कि फ्रिज खराब हो गया है, कभी टीवी, कभी वॉशिंग मशीन, कभी एसी, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, और तुमने अभी तक नहीं बनवाया, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। देखो सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, अब इस वक्त मैं फ्रिज रिपेयरर को कहाँ से लेके आऊँ? हो जाएगा जीजू, टोमिंडर होम सर्विसेज ऐप पर। और हाँ, अब मैकेनिक आएगा आपके घर आपका फ्रिज रिपेयर करने, और अब आपको आपके ऑफिस की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना सिंपल? वाओ, फिर तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ और फ्रिज रिपेयरर को बुलवाता हूँ। जल्दी करो। हो गया। हेलो सर, टोमिंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर सर। वेलकम, फ्रिज उधर है। जी सर, आपका फ्रिज रिपेयर हो गया। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। टोमिंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप ने हमारा घर तो टूटने से बचा लिया। टोमिंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप से आप अपने जीवन से जुड़े सभी काम, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक और भी बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे करवा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टोमिंडर होम सर्विसेज ऐप। अरे भाई देख कह रहे हैं, डाउनलोड कीजिए। हाँ।